हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। आज के वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे बातें शेयर करूंगा जो हर बिगनर फोटोग्राफर को पता होनी चाहिए। तो आइए वीडियो चालू करते हैं अब फटाफट से। पहला पॉइंट है सेटिंग मैक्सिमम आईएसओ वैल्यू फॉर द ऑटो आईएसओ। अब होता यह है कि अक्सर हम मैनुअल मोड पर जब भी शूट कर रहे होते हैं तो ज़्यादातर हम ISO को ऑटो पे छोड़ देते हैं, बट हम ये चेक करना भूल जाते हैं कि हमने मैक्सिमम लिमिट जो हमारे ऑटो ISO की है वो है क्या। और ज़्यादातर ऑटो ISO की मैक्सिमम लिमिट होती है लगभग 51,200, तो वही सेट होती है। तो सर्टेन सिचुएशंस में होता ये है कि कैमरा बहुत ही ज़्यादा हाई ऑटो ISO वैल्यू चूज़ कर लेता है, जिसके कारण हम इमेजेस में डिटेल्स लूज़ कर जाते हैं। अगर आप बर्ड्स और वाइल्ड लाइफ शूट कर रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अपनी मैक्सिमम ऑटो ISO वैल्यू को 800 ही रखें, अगर आप अच्छे रिजल्ट्स पाना चाहते हैं तो। नाउ इफ़ यू आर शूटिंग द पोर्ट्रेट्स देन यू कैन चूज अराउंड 6400 ऑफ ISO वैल्यू। सो अगर आपने ये वैल्यू चेंज नहीं करी हुई है तो अभी का अभी इसको आप अपने कैमरा सेटिंग्स में जाके इसको चेंज करिए। सेकेंड पॉइंट है विच एफ स्टॉप एपर्चर वैल्यू टू यूज़। सो इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन एंड वट टाइप ऑफ रिजल्ट यू वॉन्ट। अगर आपको बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड ब्लर चाहिए तो आप अपने एफ स्टॉप नंबर को मिनिमम से मिनिमम रखिए। कम एफ स्टॉप नंबर का मतलब होता है कि आपको डेप्थ ऑफ फील्ड कम मिलेगी, शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड मिलेगी। उसका मतलब ये है कि जो आपका सब्जेक्ट है उसी पे ही आपका फोकस ज़्यादा रहेगा और जो भी बैकग्राउंड की चीज़ें हैं उन पे फोकस कम से कम रहेगा। सो अगर आपको बहुत ही अच्छा बैकग्राउंड ब्लर चाहिए तो कम से कम एफ स्टॉप नंबर को रखें। सो अगर आप पोर्ट्रेट शूट कर रहे हो तो मेरा सजेशन यही है कि आप कम से कम एफ स्टॉप वैल्यू चूज़ करें अपने लेंस के हिसाब से। और अगर आप लैंडस्केप शूट कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको डेप्थ ऑफ फील्ड जो है वो ज़्यादा चाहिए होगी, मतलब आपको हर चीज़ फोकस में चाहिए होगी आपके फ्रेम के अंदर। सो ऐसी सिचुएशंस में, या फिर आप अगर मैक्रो शूट कर रहे हो तो वहाँ पे भी आपको अपना डेप्थ ऑफ फील्ड इंक्रीज करने की ज़रूरत पड़ेगी। सो ऐसी सिचुएशंस में आप एक हायर एफ स्टॉप नंबर चूज़ कर सकते हो। सो लैंडस्केप में आप हायर एफ स्टॉप नंबर ही यूज़ करें। नाउ थर्ड पॉइंट जो है वो है एक्सपोजर कंपेंसेशन। अक्सर हम एक्सपोजर कंपेंसेशन का यूज़ करते नहीं हैं, बट ये वेरी हेल्पफुल ऑप्शन होता है कि अगर आप कहीं लो लाइट सिचुएशन में स्पोर्ट्स फोटोग्राफी या फिर बर्ड फोटोग्राफी एक्शन को शूट कर रहे हैं और आपको एक्स्ट्रा शटर स्पीड की ज़रूरत है। आप जब भी लो लाइट सिचुएशन में हैं एक्सपोजर कंपेंसेशन का ज़रूर यूज़ करें। लो लाइट सिचुएशंस में आप +0.3 से +1.7 की वैल्यू को यूज़ कर सकते हैं और इवन आफ्टर यूजिंग दीज वैल्यूज़ यू कैन स्टिल गेट शार्प इमेजेस। फ़ायदा आपको इस चीज़ का ये मिलेगा कि आपको एक्स्ट्रा शटर स्पीड मिल जाएगी या फिर कम एफ स्टॉप नंबर आप चूज़ कर सकते हो। नाउ फोर्थ पॉइंट इज एडजस्ट योर फोकस पॉइंट। अब होता क्या है कि अगर हमने किसी हमारा कोई सब्जेक्ट है उस पर हमने फोकस किया और एक दो फोटोग्राफ्स क्लिक किए, उसके बाद अगर सब्जेक्ट मूव कर जाता है तो हम आलस के कारण करते क्या है कि अपना फोकस पॉइंट मूव नहीं करते और फिर जो शार्पनेस हमें आइज़ के अराउंड मिलनी चाहिए, जैसे कि बर्ड फोटोग्राफी में या आप कुछ भी शूट कर रहे हो, तो वो शार्पनेस वहाँ पे नहीं मिल पाती, क्योंकि जो आपका मिडल फोकस पॉइंट रहता है वो आपको शार्पेस्ट रिजल्ट देगा हमेशा। तो जब भी आप शूट कर रहे हैं तो कंपोजिशन के अकॉर्डिंग अपना फोकस पॉइंट या तो प्री एडजस्ट कर लें या फिर एट द टाइम ऑफ शूटिंग फटाफट से उसको एडजस्ट करें, मतलब आलस नहीं करना है, बेसिकली बात ये है। नाउ फिफ्थ पॉइंट है हमारा थिंक अबाउट कंपोजिशन बिफोर फोटोग्राफिंग, और ये पॉइंट वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट है फोटोग्राफी में। आप जहाँ पे भी फोटोग्राफी करने वाले हो वहाँ आप पहले विजिट करें और उसकी लाइटिंग कंडीशंस को समझें।
देन उसके बाद आप क्या सब्जेक्ट को शूट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट कंपोजिशन को सोच सकते हैं, चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको बैकग्राउंड में क्या कलर चाहिए, बैकग्राउंड ब्लर कितना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी लोकेशन को एडजस्ट करें। इवन वेरी स्मॉल माइनर एडजस्टमेंट इन योर लोकेशन कैन ह्यूजली इम्पैक्ट द ओवरऑल स्टोरी इन द फोटो। अगर आप चाहते हैं कि अगर आपके फोटोज़ कोई ना कोई स्टोरी लोगों को बताएं, तो हमेशा कंपोजिशन को पहले अपने दिमाग में स्टोरी बनाएं, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको कंपोजिशन समझ में आएगी। आपका बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड ब्लर, क्या ऑब्जेक्ट्स आपके बैकग्राउंड में होने चाहिए और सब्जेक्ट आपके लिए कितना मैटर करता है, ये सब चीज़ों का ध्यान आपको बहुत ज़्यादा देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल बर्ड फोटोग्राफी में आप ये ऐसी लोकेशन चूज़ करें जहाँ आप आई टू आई लेवल आ सकते हैं बर्ड के या फिर किसी भी वाइल्ड लाइफ सब्जेक्ट के। सो मेरा सजेशन यही है, ट्राई टू फील द फोटोग्राफ और इमेजिन द फोटोग्राफ बिफोर शूटिंग इट। इन दिस वे यू कैन टेल बेटर स्टोरीज विद योर फोटोग्राफ। सो ऑलवेज ट्राई टू कंपोज बिफोर यू शूट। ओके, जो लास्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ वो है पोस्ट प्रोसेसिंग योर इमेज। सो अगर आप या तो कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, सो इन दोनों में से कहीं ना कहीं आपको पोस्ट प्रोसेसिंग इफ़ेक्टिवली अपनी इमेज की सीखनी होगी, क्योंकि मैं काफ़ी यूज़र्स की इमेजेस वगैरह देखता हूँ तो उसमें साफ लगता है कि इमेज तो काफ़ी हद तक अच्छी खींची हुई है, बट जब वो पोस्ट प्रोसेसिंग करते हैं या फिर उस पर कोई फिल्टर अप्लाई करते हैं तो काफ़ी बेहद बुरी फोटोज उसको बना देते हैं बेसिकली। सो आपको ये भी सीखना होगा कि फ़ोटो लेने के बाद उसको पोस्ट प्रोसेस कैसे करें, कौन से कलर्स को इन्हेंस करना है, हाइलाइट्स कम करने हैं, शार्पनेस बढ़ानी है किस तरीके से। सो मोबाइल पे आप स्नैपसीड में पोस्ट प्रोसेसिंग कर सकते हैं और कंप्यूटर के अंदर लाइटरूम क्लासिक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है पोस्ट प्रोसेसिंग के लिए। और अब आगे अब से जब भी आप कभी फील्ड में जाएं, फोटोग्राफी करें या फिर पोर्ट्रेट शूट करें, तो इन 6 पॉइंट्स का बेहद ख्याल रखें। सो इन 6 पॉइंट्स से आपको अपनी फोटोग्राफी इम्प्रूव करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। और अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं या फिर कोई सजेशंस हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं @desiphotographer_। सो वहाँ पे भी आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करके कुछ भी एडवाइस है, कोई सजेशन है, कुछ भी आप पूछ सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ये टिप्स आपके लिए हेल्पफुल होंगी और आगे भी ऐसे ही वीडियोस आते रहेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब, फॉलो और शेयर, और थैंक यू सो मच पूरा वीडियो सुनने के लिए। हैव अ नाइस डे।